2024 प्रदेश में सर्वाधिक आबादी वाले पिछड़ा वर्ग पर भरपूर प्रेम बरसा रही भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी जाट बिरादरी के भूपेंद्र चौधरी को सौंप दी है। नए कप्तान के साथ अब प्रदेश और नई टीम का गठन का होना है, इसमें कई बदलाव संभावित हैं। माना जा रहा है कि अब पार्टी इस फेरबदल में प्रदेश से लेकर क्षेत्र और जिलों के पदाधिकारी बनाने में दलित व ब्राह्मणों को प्राथमिकता दे सकती है। कई नए चेहरे होंगे तो कुछ को महत्वपूर्ण पदों पर प्रमोशन दिया जा सकता है। लोकसभा की 80 में से 75 सीटों पर कमल खिलाने में भाजपा का फोकस। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी विसात बिछाते हुए पिछड़ा वर्ग से आने वाले जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश संगठन की कमान सौंप दी है। यह रणनीति पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मजबूत करने की है। वहीं भाजपा का प्रदेश की 80 में से 75 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का लक्ष्य है। प्रयास यही है कि भाजपा रालोद गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का नुकसान ना कर पाए, मगर पार्टी के इस दांव से जातीय संतुलन में कुछ असमानता उभरने लगी है। दरअसल सरकार और संगठन में अब पिछड़े काफी आगे खड़े नजर आ रहे हैं। मसलन प्रदेश सरकार में कुल 53 सदस्य हैं, जिनमें 20 मंत्री ओबीसी से हैं, दलितों की संख्या 8 तो ब्राह्मणों की मात्र 7 है। शेष बचे 18 में बाकी सवर्णों को साधने का प्रयास किया गया है। इसी तरह संगठन की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के रूप में प्रदेश संगठन के दोनों शीर्ष पद पिछड़ा वर्ग के खाते में चले गए हैं। अब संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश क्षेत्र और जिलों में नए पदाधिकारियों की जो नियुक्ति हुई है उनमें दलित और ब्राह्मण सहित अन्य सवर्ण नेताओं को पद दिए जाएंगे। विशेष नज़र प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और प्रदेश मंत्री के पदों पर रहेगी। वर्तमान में 18 उपाध्यक्ष हैं, इनमें से योगी सरकार में मंत्री बनाए जा चुके AK शर्मा और दयाशंकर सिंह को एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत से संगठन का पद छोड़ना होगा। वहीं प्रदेश महामंत्री JPS राठौर भी सरकार में सहकारिता मंत्री हैं। इन तीनों के स्थान पर वर्तमान प्रदेश पदाधिकारियों में से कोई पदोन्नत हो सकता है। इसी तरह अभी 11 प्रदेश मंत्री हैं, इनमें कुछ नए चेहरों में शामिल होना संभावित है। वहीं पार्टी के 7 मोर्चे हैं, जिनमें से पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव गौड़ में मंत्री हैं, इसीलिए इन दोनों का पद भी छोड़ना तय है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ABD News 24x7 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।